नमस्कार दोस्तों, यूटीबी न्यूज 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय गेंदबाजों ने इस तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को निशाना बनाया कि वो कुछ नहीं कर पाए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मोहम्मद शमी ने क्या नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और क्या इतिहास रचा है इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में, पहले टेस्ट में, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। इनका ये फैसला गलत साबित करके दिखा दिया भारतीय गेंदबाजों ने। सबसे पहले तो रॉरी बंस को जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर की पांचवी गेंद पर अपना निशाना बना लिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों मैदान पर तूफान आया मोहम्मद शमी का। मोहम्मद शमी ने इतिहास रच दिया। मोहम्मद शमी ने सबसे पहला विकेट लिया डोमिनिक सिबली के रूम में। डोमिनिक सिबली 68 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर खेल रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शमी ने अगली गेंद डाली और पीछे खड़े और केएल राहुल के हाथों डोमिनिक सिबली को आउट करवा दिया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को आउट कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 71 गेंदों पर 29 रन पे खेल रहे थे और 4 चौके भी जड़ चुके थे। उसके बाद मोहम्मद शमी ने LBW आउट कर दिया जॉनी बेयरस्टो को और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद डोनियल लॉरेंस को बिना कोई खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया मोहम्मद शमी ने। और इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को 66वें ओवर की चौथी गेंद तक 183 रन पे ही पवेली का रास्ता दिखा दिया भारत के धुरंधरों ने, जहां पर मोहम्मद शमी ने अपने 17 ओवर के स्पेल में से 2 ओवर मैदान फेंके और मात्र 28 रन देने के बाद 3 बल्लेबाजों को निशाना बनाया। दोस्तों अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मोहम्मद शमी ने पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 1.6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की थी। इस स्कोर का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतर चुकी है। भारतीय टीम की ओर से रोहित शर्मा, केएल राहुल ने दोनों ने मिलकर 21 रन बना लिए हैं। कोई अपना विकेट नहीं गंवाया है। 162 रन से भारतीय टीम पीछे है। दोस्तों अब देखना यह होगा कि दूसरी पारी में क्या मोहम्मद शमी ऐसा ही जलवा बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं। वैसे आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्या रोहित शर्मा अब डबल सेंचुरी लगा पाएंगे इस मुकाबले में कि नहीं लगा पाएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीबी न्यूज 24।